हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आई विल स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तिरंगार्घ किसे कहते हैं? दोस्तों, ये 2 नंबर में पूछता है और दोस्तों कभी कभी ये 5 नंबर में भी पूछता है। दोस्तों, इसके साथ जोड़ देता है हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत भी। लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं पहले तिरंगार्घ किसे कहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, वीडियो की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तिरंगार्घ किसे कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और क्लास 12th एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। दोस्तों, ये विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर अन्य बुकों में यह लंबा लंबा दिया गया है। आइए हम आपको दिखा देते हैं एक बार किस तरह का दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कई सालों से पूछ रहा है, 11, 12, 13, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों, ये हर साल की तरह इस साल भी पूछेगा, जैसे हर साल पूछ रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 2020 के मॉडल पेपर में भी ये सवाल पूछा है। तो एक तरफ से यूँ समझ लीजिए, यहाँ पे हम जो बता रहे हैं ये 2020 में 100% पूछेगा और इसका ये हल भी है और उत्तर भी है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप चाहें तो इसमें जो लिखा हूँ आप उसको एक कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसका फोटो खींच सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं तिरंगार्घ किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तिरंगार्घ किसी भौतिक माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों, तिरंगार्घ कहलाते हैं। दोस्तों, समान कला में, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इसमें जो लाइन याद करने वाला है ना, इसमें सिर्फ यही से किसी माध्यम में स्थित कण समान कला में कंपन कर रहे हों, उसी को तिरंगार्घ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यूँ आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम कुछ आपको थोड़ा चित्र के अनुसार समझाने वाले हैं। जैसे कि आप एक रस्सी ले लीजिए, माना, ठीक है, एक रस्सी। तो दोस्तों, ये तो सीधी रस्सी हो गई, जबकि आप जानते हैं कि तरंग ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, तरंग ऐसे होता है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं इस पर कुछ माध्यम के कण है, ठीक है। जब रस्सी को आप ऐसे झटकारेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सभी कण क्या होंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे उठेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे उठेंगे, या फिर अगर आप इसको इसी से ज्वाइंट किए हैं तो ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीजें हैं कि किसी माध्यम का ये वे कण जो समान कला में कंपन करे। तो दोस्तों, जितना ये कंपन करेगा उतना ये भी कंपन करेगा, इतना ये भी, इतना ये भी, मतलब सारे के सारे एक ही जितना कंपन करेंगे। ये नहीं कि ये ज्यादा किया ये कम करेगा, ये ज्यादा किया ये कम करेगा, ये नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका यही उदाहरण है कि तिरंगार्घ किसे कहते हैं जो पृष्ठ पर जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हों। आइए एक बार और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि हम लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तिरंगार्घ किसे कहते हैं? तिरंगार्घ किसी भौतिक माध्यम में, किसी भौतिक माध्यम में, दोस्तों मान लेते हैं भौतिक माध्यम है जिसमें हमने खींचा है, ठीक है, किसी भौतिक माध्यम में किसी क्षण, दोस्तों इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगा है, बस 1 से 2 सेकंड लगा है, तो किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, दोस्तों ये तो काल्पनिक ही है, काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, दोस्तों यहाँ पे स्थित सभी कण हो गए, स्थित सभी कण समान कला में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एक इतने कण हैं और समान कला में कंपन कर रहे हैं, जब हम कंपन करा रहे हैं तो समान कला में कंपन कर रहे हों, उसी को तिरंगार्घ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 नंबर में पूछता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तिरंगार्घ के जो पूछा है, तिरंगार्घ किसे कहते हैं और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। दोस्तों, इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, इजी
और आसान भाषा में, और आपको चित्र के सहायता से समझाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आ जाएगा आपका एपिसोड में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।